नंबर्स के लिहाज से इन्फोसिस के नंबर्स बेहतर साइड पर ही रहने का अनुमान है। सबसे पहले तो आप डॉलर आय देखिए, 3.7% बढ़कर लगभग 414 करोड़ जो है कंपनी अपनी डॉलर आय घोषित कर सकती है, क्योंकि जो इनकी डायमलर की डील है वहां पर से अब रेवेन्यूज जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही जो वेतन खर्च और एट्रिशन दर बढ़ते हुए नजर आए हैं उससे तमाम जितनी भी बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनके मार्जिन पर इंपैक्ट आ सकता है, और यहां पर हम दिग्गज आईटी कंपनियों में इन्फोसिस का मानकर चल रहे हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। 23.6% के मुकाबले 23% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। मुनाफे के लिहाज से जो अदर इनकम कंपोनेंट है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, जिससे कंपनी की जो मुनाफा है 7% बढ़कर 5800 करोड़ रुपए रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली जो गाइडेंस कंपनी देती है सालाना आधार पर FY22 की, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आई ग्रोथ गाइडेंस 17.5 से 18% रहने की उम्मीद है, तो यहां पर एक अपग्रेड होता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन गाइडेंस है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो विदाउट चेंज यानी कि बरकरार रह सकती है। बट डेफिनेटली जो डील TCV है और जो पाइपलाइन है आगे के लिए उस पर कंपनी क्या कहती है, और मोर इंपॉर्टेंटली जो डिजिटल रेवेन्यू का ट्रेंड है जो लगातार कंपनी का जो परसेंटेज रेवेन्यू में शेयर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर आगे के लेकर कंपनी का क्या कहना है, वहां पर अभी हमारा जो फोकस है इन्फोसिस के उपलक्ष्य में बना रहना चाहिए।